सलमान खान भी हमारी नज़र में दोषी है और लॉरेंस दोषी है तो सलमान खान भी दोषी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच का विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। महाराष्ट्र पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर इस मामले को गर्मा दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। इस मामले के बाद अब साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले को फिर से हवा मिल गई है, जिसमें सलमान खान का नाम सालों से चला आ रहा है। अब बिश्नोई समाज की तरफ से एक बयान आया है जिसमें लिखा है कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भाईजान को एक काम करना पड़ेगा। हाल ही में खास बातचीत में ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने सलमान खान के इस मामले पर बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर सलमान खान अपने अपराध को स्वीकार करते हैं और सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं तो बिश्नोई समुदाय उन्हें माफ करने के लिए तैयार है। बूढ़िया ने कहा है कि उनकी माफी को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो मुक्ति धाम मुकाम आकर माफी मांगेंगे। मुक्ति धाम मुकाम बिश्नोई समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। अगर भाईजान इस जगह पर आकर सॉरी मांगेंगे तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ कर देगा। देवेंद्र बूढ़िया ने कहा, हमारा एक बड़ा सिद्धांत है जो गुरु जाम्भेश्वर जी द्वारा दिया गया है, वो ये है कि सच्चे मन से पछताने वालों को माफ किया जा सकता है। बूढ़िया ने साफ किया कि अगर सलमान खान अपनी गलती का एहसास करते हैं तो बिश्नोई समुदाय, जो दया के लिए माना जाता है, उन्हें माफ कर सकता है। समुदाय के सदस्य महिपाल बिश्नोई ने उस दिन की घटनाओं को याद करते हुए बताया कि कैसे रात के लगभग 2 बजे गोलीबारी की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने जांच की थी। उन्हें वहां 2 मरे हुए काले हिरण मिले और चलती हुई गाड़ी दिखी। बाद में पता चला कि सलमान खान अपने को स्टार्स के साथ शिकार के लिए आए थे। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।